हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी इकोनॉमी। और आप है अपने दोस्त जय पंचोली के साथ में। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लोन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई लोन जरूर लिया होगा, और वो लोन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, छोटा बड़ा, इनफेक्ट पर्सनल लोन हो सकता है, टू व्हीलर हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, बहुत कॉमन लोन है। कोई ना कोई आप लोगों ने लोन जरूर लिया होगा, और आप लोगों ने यह भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हर बार ऐसा जरूर नहीं है कि वो लोन आपका अप्रूव हुआ ही हो, कई बार रिजेक्ट भी हुआ होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं आगे हम उसमें क्या वर्क कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप कई बार ऐसा होता है कि आपने लोन अप्लाई किया और वो लोन आपका रिजेक्ट हो गया, और वो रिजेक्ट हो गया तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, हम कहीं और अप्लाई कर लेंगे, या हमने अगर किसी डीएसए के थ्रू या किसी डीलर के थ्रू वो लोन अप्लाई किया है तो वो हमें बहुत कैजुअल से रिस्पॉन्स देके बोलता है कि सर ये रिजेक्ट हो गया है और क्रेडिट ने रिजेक्ट कर दिया है, हम पैरामीटर नहीं मीट कर रहे हैं, तो हम कहीं और अप्लाई कर लेंगे, कहीं और से अप्रूव करवा लेंगे केस को। बट ये एक चीज हो गई है। बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोन रिजेक्ट हो गया तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या बेसिस या क्या क्राइटेरिया पे आपका लोन रिजेक्ट किया गया है। ये इतना कैजुअल वे में अगर आप आंसर लेके चल देंगे कि हाँ रिजेक्ट हो गया और कहीं और अप्लाई कर लें, तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी जाता है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया, अब रिजेक्ट हो गया और आप जब दूसरी जगह इसको अप्लाई करने जाएंगे, लोन अप्लाई करने, तो दूसरी जगह पे भी जब पता लगता है कि ये लोन आपका पहले रिजेक्ट हो गया है, तो वो पहले से सस्पिशन में आ जाएंगे, अरे ये कस्टमर शायद सही नहीं है। उनको कैसे पता लगेगा? उनको ऐसा पता लगेगा कि अगर कि वो जो लोन है वो ब्यूरो में जाता है, जैसे सिविल हो गया आपका या क्रिफ हो गया या जो भी रिपोर्टिंग करते हैं बैंक, जिस भी ब्यूरो में, तो वहां ये लोन जाते हैं। वहां जब भी नया बैंक जब उस रिपोर्ट को देखता है तो उसको पता लगता है कि ये लोन एप्लीकेशन की इंक्वायरी तो हुई थी लेकिन ये लोन कहीं से अप्रूव नहीं हुआ है। फिर वो आपसे इंक्वायरी करेंगे कि आपने कहीं और भी अप्लाई किया था, तो उनको सस्पिशन आ जाएगा कि शायद वो लोन एप्लीकेशन वहां प्रोसेस में चली और आप एक और लोन लेना चाहते हैं। तो ये आपके सिस्टम पे, आपके लोन पे और आपके एप्लीकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें आगे, आप कैसे अपने एप्लीकेशन को प्रॉपरली समझे और कैसे उनको जस्टिफाइड आंसर दें कि हाँ मेरा जो लोन रिजेक्ट हुआ है वो एक्स वाई जेड रीजन से रिजेक्ट हुआ है, ना कि कोई बहुत बड़ी कमी थी। तो उसके लिए आप क्या करिए कि जिस भी बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट किया है उनसे आप एक पुख्ता फॉर्म में रिजेक्शन लेटर मांगिए, रिजेक्शन रीजन मांगिए रिटर्न में। जी हाँ, हर बैंक को या हर एनबीएफसी को, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह मैंडेट है कि जब भी कोई लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो साथ में लोन रिजेक्शन लेटर दें। जैसे लोन अप्रूवल लेटर आपको मिलता है, चाहे वो होम लोन में हो या कोई व्हीकल लोन लेते हैं तो डिलीवरी ऑर्डर जाता, तो इसी तरह आपका जो लोन रिजेक्ट होता है उसका भी लेटर इश्यू होता है, और वो आप इश्यू करवाइए। मतलब हो सकता है वो सिस्टम में इश्यू करते हो लेकिन कस्टमर को हैंड ओवर ना करते हो, क्योंकि जो कस्टमर नहीं मांगेगा क्योंकि उनको पता नहीं है, तो इसलिए वो एनबीएफसी या बैंक उसको इश्यू भी नहीं करता है। अगर कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मना करता है रिजेक्शन लेटर देने के लिए, तो आप वहां पे उनको, उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होता है वहां पे आप उनको शिकायत कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यू वांट रिजेक्शन लेटर, कि आपका लोन रिजेक्ट क्यों किया गया है, कोई आपके डॉक्यूमेंट में कमी है और या आपके किसी नॉर्म में कमी है, आप एज क्राइटेरिया नहीं मीट करें या इनकम क्राइटेरिया नहीं मीट करें, ये आपको पता होना चाहिए। और रिजेक्शन लेटर में वो रीजन स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपका लोन रिजेक्ट क्यों हुआ है। अगर वो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फिर भी सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं देते हैं, आपको रिजेक्शन लेटर इशू नहीं करते हैं, तो आप फिर आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं उस बैंक या एनबीएफसी के लिए। और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग एनबीएफसी है, तो उसके लिए आप एनएचबी में जा सकते हैं, और एनबीएफसी को जो एनएचबी है या जो आरबीआई है वो आगे जब वो इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे तो फिर बैंक और एनबीएफसी को आपको वो लेटर इशू करना ही पड़ेगा, जब जाके आपके पास में लेटर आएगा। और अगर ये लेटर जब आ जाता है आपके पास में, देन आपके पास प्रॉपर रीजन होगा कि आपका लोन रिजेक्ट क्यों हुआ है, और जब आप नई जगह जाते हैं तो
तो वहां नई जगह पे आप प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका लोन रिजेक्ट क्यों हुआ है, और वो प्रोसेसिंग थोड़ी ईजी हो जाएगी नई जगह पर। आप जब एग्जिस्टिंग जगह पे आप रिजेक्शन प्रॉपर रीजन मांगते हैं, लेटर मांगते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो एनबीएफसी आपका लोन रिजेक्ट कर चुकी है या बैंक रिजेक्ट कर चुका है, उनको आपके नॉर्म के बारे में पता ही नहीं कि आप उसको कंप्लाई करते हैं, उनके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, तो जब वो रिजेक्शन इशू करते हैं तो आपसे दोबारा पूछते हैं कि भाई आपका ये नॉर्म नहीं मीट कर रहे हैं। तो इशू करने से पहले अगर आप कंप्लाई करते हैं, आपके पास में ये नॉर्म के रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट है, तो आप सबमिट कर दीजिए, और इस तरह से आपका लोन अप्रूव हो जाता है। सो फर्स्ट टाइम में अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो अप्रूव हो गया। सो इसके फायदे बहुत है दोस्तों, और आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपने एक्सपीरियंस करी है या आपके फ्रेंड ने, किसी ने एक्सपीरियंस करी है, फैमिली में किसी ने एक्सपीरियंस करी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ भी शेयर करिए, सो दैट ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो भी जान सके। सो होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगी हुई हो, और अगर आपको अभी कोई क्वेरी है या कोई क्लेरिफिकेशन अभी भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।